नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज का जो वीडियो दोस्तों नया रिक्रूटमेंट वीडियो है, जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर। दोस्तों, अपर डिविजनल क्लर्क, जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर के लिए जो है वैकेंसीज आई हुई है। तो क्या है वैकेंसीज और क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन कितनी है, सैलरी और कौन कौन जो है इस फॉर्म को भर सकता है, हम पूरा देखेंगे दोस्तों। तो उससे पहले हम देखेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये जो मेरा YouTube का चैनल है, आप मुझे लाल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 429 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वहीं पे जो है वीडियोस टैब पे क्लिक करके आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और किसी भी वीडियो को जो है लाइक शेयर या कमेंट आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं BECL के अंदर जो है 50 वैकेंसीज आई हुई है। तो देखते हैं कहां निकली है वैकेंसी। दोस्तों, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो है वैकेंसी आई हुई है, देख सकते हैं दोस्तों। ग्रुप सी की वैकेंसी ये है और यहाँ पे जो है मुंबई के लिए जो है ये वैकेंसीज आई हुई है। तो टोटल वैकेंसीज जो है दोस्तों 34 वैकेंसीज आई हुई है। अनरिजर्व 11, OBC की 15, ST की 4 और SC की 4 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। एनी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। अगर आपने किसी भी प्रकार की कहीं डिग्री कर रखी है तो आपकी जो डिग्री है दोस्तों एग्रीगेट में 50% के ऊपर होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हो। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे डिजायरेबल मांगा गया है क्वालिफिकेशन। अगर आप में से किसी ने भी 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कर रखी है तो डिजायरेबल कैंडिडेट हो जाता है। वहीं पे आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज रहता है या फिर आपने किसी का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है तो बंदा जो है डिजायरेबल में आ जाएगा। वहीं पे जो अगर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट आपने कर रखा है JPA और JSK के लिए, तो जो है आप जो है दोस्तों डिजायरेबल कैंडिडेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के बंदे जो है यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। पे बैंड देख सकते हैं दोस्तों, लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स, इनिशियल पे जो है 25,500। ये 25,500 जो है दोस्तों आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अंदर आपको DA अलाउंसेस वगैरह मिलके जो है 30,000 के ऊपर आपको ये सैलरी जा सकती है। यहाँ पे जो है दोस्तों एज लिमिट के ऊपर जो है रिलैक्सेशन रहता है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल रहता है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप रहता है तो उनको 10 साल अनरिजर्व, 15 ईयर्स फॉर SC ST एंड OBC के लिए 13 साल का एज लिमिट दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे जो है दोस्तों एक प्रकार का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओनली 1 एग्जाम विल बी देयर। तो देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न। जो भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों उनको कंबाइंड एक ही एग्जाम देना है, UDC के लिए भी, JPA के लिए भी और JSK के लिए भी। अगर आप समझो UDC के लिए फॉर्म भरते हैं तो भी आपको इसी प्रकार का जो है एग्जाम पैटर्न लागू है, और JSK के लिए भी फॉर्म भरते हैं तो इसी प्रकार का एग्जाम पैटर्न आपको लागू होता है। तो देखते हैं Tier 1 एग्जाम क्या होगा। यहाँ पे जो दोस्तों इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा 50 मार्क का, जनरल नॉलेज 50, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50। 2 घंटे का एग्जाम होगा दोस्तों। और जो है Tier 2 का एग्जाम जो होगा उसके अंदर जो है रिटर्न एग्जाम रहेगा दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टाइप में, उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा जिसमें आपको ऐसे वगैरह पूछ सकते हैं 100 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर जो है ये रहेगा दोस्तों। यहाँ पे नोट दिया गया है क्वेश्चन फॉर Tier 1 एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन Tier 2 एग्जामिनेशन। दोस्तों इस बात पे ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन Tier 2 एग्जाम। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेसिक ऑफ Tier 1 एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर Tier 2 एग्जाम। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो है इंग्लिश पे कितना कमांड है ये यहाँ पे जाता जा रहा है दोस्तों। अगर आपने Tier 1 एग्जाम को अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई भी कर लिया तो भी दोस्तों चल जाएगा, Tier 2 के अंदर जो आपको स्कोर करना होगा। तो आगे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों। आपको जो अगर फॉर्म भरना है दोस्तों तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, यहाँ पे जो अपर डिविजनल क्लर्क और जूनियर पर्सन परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर के लिए आए हुए हैं। सैलरी जो दोस्तों 25,500 के ऊपर है। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन ये आई हुई है, आप इस फॉर्म को दोस्तों फॉर्म को कितना तक भरेंगे आप जो है दोस्तों, इस फॉर्म को 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भर सकते हैं, यानी इस मंथ की 30 तारीख तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। रह गया था सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस फॉर्म को जो है आप ये वेबसाइट पे जाके क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इजी हो जाएगा नोटिफिकेशन देखने के लिए भी और अप्लाई करने के लिए भी। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, डू सब्सक्राइब। दोस्तों आप सब जो है बहुत ही अच्छा प्यारा रिस्पॉन्स है आपका, 429 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स। और जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसे हमें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू इन दिस वीडियो दोस्तों।